ंग्रेचुलेन टू यू एंड टीम फॉर ट्रेलर सो मेरा आपसे सवाल ये uh, हमने जब ट्रेलर देखा था वी लवर कैमरा विद भाईजान एंड ना वी सी दिसक यू हैवोटिव रोल अपार्ट फ्रॉम रोल्सो सो यू ओनली शेयर सम लाइट अबाउट योर कैरेक्टर एंड वॉट यू हैव ब्रॉड इन द मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग द कैरेक्टर भाई इनके लिए भाईजान नहीं है हाँ जी हाँ जी हमारे लिए I think, you, um, I think you rightly said uh, <laughs> I think what you said is:. Yeah, I think what you said is exactly um, the way it is in the film. That's why, as I said earlier, for me, I really, really count this among my, one of my best, if not my best characters, that I've gotten a chance to play so far) um, it's exactly as you said. She's a support for his, for Bharat's character throughout the film. So her journey also continues on with him in the film. So there was a lot of work. Um, I won't go into too much detail now because I think there's some surprises we want to save for the film. But there's a huge amount of work which has gone into every era in the film, each time, um, each year, as you're showing. You know, the years go ahead to get that look right, to get the essence of that time right, and. Um,

Salman, towards your left. Salman... Just one sec, one sec, one sec. Uh, to the left. Hi. There, right? Yeah. But after that we'll come to yeah. you. Yeah. Salman, hi. This is Priyanka from Indian Express. Salman, uh, you know, we've often seen that fans are not... You know, they don't get ready to see their superstars age on screen. You know, that, that happened during uh, uh, Dangal also, right? Amir said that he wasn't ready to, to become an old person on screen. So for you to play a character who's aged 70...

Ali, I mean, there was almost uh, never a day on set where I didn't come and see Ali staring at Salman's face yeah. and doing this. Like this. <laughs> so much attention has gone on that. So, I think it was, there was definitely something very specific in his mind. Actually, you know, the uh, part is the tricky part of the film. Also, that's somewhere, that's the soul of the film. So, um, Salman sir and I were very clear that somewhere, जो सत्तर साल की जिंदगी उस किरदार ने जिए वो उस एक लुक में दिखनी चाहिए सो so, जब हमने तो एक, एक जब आदमी इतने साल जिंदगी जीता है और जिस तरह की जिंदगी भारत का किरदार जीता है एक रॉब है एक परसोना है उस किरदार में और उस परसोना के लिए हमने बहुत चीज़ें ट्राई करी कुछ राजू भाई ने बहुत इस टाइम ज्यादा काम किया है जो सलमान सर का मेकअप कर रहे हैं मैंने प्यार किया से तो आई थिंक वही मेकअप अभी भी चल रहा है हेलो yeah. uh, मेरा सवाल सलमान जी से है कौन <coughs> <Once coughs> से कौन से पहले एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड इन्होंने पहले किया था विल कम बैक टू okay. या

तो इवन जो जो भी हुआ है मेरे साथ अनफर्टुनेट के हुआ है मेरे साथ ताकि मैं इस उस उन सब चीजों ने मुझे इस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया हेलो uh, 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 मेरा सरवर सलमान जी से है आरती सक्सेना इधर 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 लेफ्ट या yeah. <laughs> कि मतलब लाइक like, अमिताभ बच्चन जी ने जब फर्स्ट स्टार्टिंग में जवानी में रोल किया था बुढ़ापे का तभी वो बहुत हैंडसम लगते थे और वो कंटिन्यूटी में उन्होंने मेंटेन किया अब आप फर्स्ट टाइम बुड्ढे का रोल कर रहे हैं लेकिन आप भी उतने ही हैंडसम लग रहे हैं लगता है सत्तर में भी आप वैसा ही लगेंगे <laughs> तो ये आपको ऐसा इमेज के लिए डर लगता है कि लाइक कहीं मुझे लोग बुड्ढा ही ना समझने लगे जी जी कोई ऐसे मतलब लोग ये ना समझने लगे कि आ, मतलब एजेड हो गए ये रोल देखने के बाद ये पोर्शन वैसे बहुत कम है फिल्म में हाँ. और ये सब जो पोर्शंस है बहुत ज्यादा हैं तो वैसे लगेगा नहीं और दिस इज द मोस्ट इंटरटेनिंग पोर्शन ऑफ द फिल्म मतलब कि अगर एज वाइज के हिसाब से जहाँ चल रहे कि ये बूढ़ा आदमी है मिडिल क्लास बूढ़ा आदमी है तो अब यहाँ से पिक्चर एकदम तो बोरिंग सी यू you नो know, हो जाएगी बट इनका जो एक ह्यूमर है इनका जो एक स्टाइल है रोब है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस और इनका इंथ्यजियाजम अभी तक मरा नहीं राइट right. नहीं वही मुझे पूछना था कि अमित जी मतलब जवानी से बुढ़ापे तक बुढ़े का रोल करते आए हैं तो आपको ऐसा डर लगता है कि मैं बुढ़े का रोल करूंगा तो मेरी इमेज खराब ही करूंगा हेलो अच्छा, okay. सल्... अली, 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 काम का निकलूंगा माँ 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 मैं पास हो गया अच्छा मेरा सवाल ये कैटरीना जी से है कि सलमान जी नहीं चाहते कि आप उनको भाईजान जान बोले तो आप कौन सी जान बोलना चाहेंगे मेरी जान

इमोशन को ये समझ कर चलते हैं कि क्लीशेड है सो दे ट्राइंग टू डू डिफरेंट डिफरेंट स्टफ़ जो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर चलता नहीं है हम सब इमोशन से जुड़े हैं हम सब सही और गलत से जुड़े हैं और ये ग्रास रूट जो हमारा जो कल्चर है हमारे ग्रास रूट से जुड़ा हुआ है और वो अली में कूट कूट के भरा हुआ है सो so, जो लोग इमोशन से डरेंगे उनकी पिक्चरें आई डोंट थिंक यू नो कभी चलेगी You need that emotion, you need that entertainment, you need the action, you need the heroism, which Ali uh, Sunil Grover Ali. and Jackie, sir, if you can please briefly tell us about the So Sunil team. Grover is one of the most talented um, men I have come across. And he's fantastic in the movie. He's there, he's playing my childhood friend. We Log together from the age So he's done a fabulous job.

आपकी एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है कि जो फिल्म आप बनाएं वो उस नाम की अहमियत रख सके uh, तो कोशिश हमने करी है साथ मिल और आज के वक्त में एक बहुत ही ज़रूरी फिल्म है ये क्योंकि जैसे एक ट्रेलर में भी लाइन थी कि uh, देश लोगों से बनता है और लोगों की पहचान उनके परिवार से होती है तो कहीं ना कहीं द होल फिल्म इज़ अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी एकता की बात करती है

दिमाग से राइटिंग वाइज हर चीज़ में हमने हमारी पूरी कोशिश की है कि इस फिल्म को आ, कोई सूडो इंटेलेक्चुअल टाइप की नहीं है यू नो कि वी आर मेकिंग अ फिल्म के बहुत अच्छी लिखी है और, और क्रिटिक्स के लिए है वगैरह नो वी मेकिंग अ फिल्म फॉर द ऑडियंसिस जिसमें गाने हैं रोमांस है मस्ती है एक कमिटमेंट है एक वादा है जो कि निभाता है आदमी सो so उसमें एक रिस्पॉन्सबिलिटी है बड़ा ही स्ट्रॉग कैरेक्टर और

सो so, जब एक सलमान जैसे सुपरस्टार एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है तो एज अ प्रोड्यूसर आप पे कितना प्रेशर होता है सॉरी एज अ प्रोड्यूसर कितना प्रेशर फील करते हैं मतलब सुपरस्टार लाइक सलमान खान इज वर्किंग विद सलमान भाई फिल्म में हो तो प्रेशर आपको फील नहीं होता है क्योंकि सारी रिकवरी पहले ही हो जाती है फिल्म की सलमान सर रवि फ्रॉम या राइट इन द मिडिल डियर सलमान uh, सर रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़ सर अली सर ने एक इंटरव्यू दिया था हाल ही में जिसमें कहा था कि जब uh, इस फिल्म को बनाने की बात हो रही थी तो उन्हें इनिशियली लगा था कि ये फिल्म वो नहीं बना सकते क्योंकि uh, जो कोरियन फिल्म का uh, की सेटिंग है और जो इतिहास है वो अलग है और उसको भारत में डालना ढालना बहुत मुश्किल है तो वो उन्होंने शायद वो नहीं बनाना चाहते थे आपके मन में भी कोई ऐसा स्केप्टिज़म था कि आप ये कर पाएंगे क्योंकि इतना इतना बड़ा इतिहास सत्तर साल का आप दिखा रहे हैं आज़ादी के बाद का तो जब जब हमने वो फिल्म देखी थी हमको उस फिल्म का प्लॉट बहुत अच्छा लगा था और वही हमने लिया है बाकी का वी चेंज एवरी थिंग अराउंड उस वो पिक्चर में इमोशन ज़्यादा था ह्यूमर कम था बहुत ही कम ह्यूमर था तो हमने यहाँ पर फुल ऑन एंटरटेनमेंट डाल दिया है ह्यूमर डाला है एंड और उसी जैसे कि आप जो इमोशन भी है वो वो एक खुशी वाला इमोशन है यू नो हंसी भी आएगी और आंखों में आंसू भी आ जाएंगे सो दैट इज व्हाट वी हैव अचीव ट्राई टू अचीव इन दिस फिल्म अब तो अब जब फ्राइडे को रिलीज होगी ईद पर तो पता चलेगा कि क्या इस रिस्पॉन्स है इसका बस यही है कि अली साहब बस हमारे बहनों का घर नहीं बिकवा दे <laughs> एक सवाल और छोटा सा सर हाल ही में आ,

No, oh, uh, sorry. I think maybe that was slightly misquoted. Um, there was never anything like that, actually. I was um, fully Just under a the liar. No, <laughs> I was fully under the impression that they were actually um, had already. They were going to begin the shoot, and as far as to my knowledge, Priyanka was very much in the film. And um, actually, it was Ali. He called me up and he said that you know, there's been a little bit of change of plans. There's um, some reasons for which she's no longer part of the film and i'm sending you the script and just read it and just react to it and he put absolutely <coughs> no pressure there was no thing like you're a friend i'm a friend you know there was it was just purely you react to the script i read the script and i called up ali and i said i think this is your best work so far this is your best script and i've read all of his scripts so i said i think this is your best script i think it's an amazing character for the girl and i would love to be a part of it and we just got straight into work thank you priyanka

<laughs> so. All right, we'll wrap up. Thank you, guys. Thank you, gentlemen.